हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गुंजन क्रिएटिव टीवी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मज़े में हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी सो के उठ रही हूँ बस। तो अभी बज रही हैं 4 और बाहर काफ़ी अंधेरा हो रखा है। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जल्दी उठ के और जल्दी चलना स्टार्ट करेंगे, बट अभी तो काफ़ी अंधेरा है बाहर, तो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद चलेंगे। मैं आप लोगों को तब तक बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अभी बहुत अंधेरा है बाहर, तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बस ऊपर थोड़ा तारे नजर आ रहे हैं, काफी साफ आसमान है। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और 6 बज चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंधेरा है, बट खुल जाएगी रात। तो हम लोग जहाँ रुके थे वो है आशुतोष लॉज, और ये हैं अंकल जी, वाह, बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को खाना खिलाया, और अभी आते वक्त भी हम लोग इन लोगों से मिल के जाएंगे। तो आप लोग जब भी यहाँ आएँ तो इनके लॉज में ज़रूर रुकें, तो काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे। तो दोस्तों, अंकल जी ने हमें ये लट्ठियाँ भी दी हैं, तो ताकि हम इजीली चल सकें। तो हम हो गए हैं दोनों रेडी, तो बज गई हैं 6 और अब निकलते हैं सीधे। चलिए दोस्तों निकलते हैं। ओके, मिलते हैं मंदिर। तो दोस्तों देखिए, अभी अभी अंधेरा है, तो इधर हमने ऊपर की रास्ते जाना है, तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं। तो दोस्तों, अब उजाला होने लग गया है, ये देखिए। और पहले हमारे साथ एक डॉगी आ रहा था, अब ये दूसरा डॉगी हमारे साथ आने लग गया है ऊपर तक। तो चलिए चलते हैं ऊपर, और अभी तो काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है हम लोगों को। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी ये चट्टान है, और हम लोग वहाँ नीचे से आए हैं, और अभी हमें यहाँ ऊपर जाना है। तो आगे मुझे बहुत अच्छी अच्छी बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ दिख रही हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। और ये देखिए लिखा हुआ है, चढ़ाई देखकर घबराओ मत। तो काफ़ी अच्छा अच्छा लिखा है, नमः शिवाय लिखा है। और अब आपको बहुत ही सुंदर व्यू दिखने वाला है, तो वो देखिए कितना सुंदर व्यू है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो रास्ता इधर को है, अभी हमने इधर से जाना है। तो दोस्तों, हम थोड़ा बहुत चढ़ गए हैं, और अभी हमें यहाँ पे कुछ दिखा है, आई थिंक कुछ होटल टाइप है, तो होटल पंचवटी है इसका नाम। ये होटल पंचवटी, और यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कितने किलोमीटर्स है। तो अभी मद महेश्वर 7 किलोमीटर है, तो सबसे पास है नानू 1 किलोमीटर। तो चलिए अभी जाना है इस रास्ते। तो फाइनली हम नानू पहुंच चुके हैं, और अभी हमें 5.5 किलोमीटर और चलना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी मिला है, तो हम लोग पानी भर लेते हैं, फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। देखिए सूरज की पहली किरण कितना खूबसूरत लग रहा है। और वो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ देखिए, तो दोस्तों इतनी चढ़ाई के बाद हम कून पहुंच गए हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है देखिए इस तरीके का। तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, और अभी तो खाना बन रहा है, तो खाना बनने में तो लेट लगेगा, तो हम लोग बनवा रहे हैं मैगी और चाय, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग चुकी है और थकान भी काफ़ी हो रही है। तो अभी हमें 2.5 किलोमीटर और चलना है, और फिर हमें होंगे मंदिर के दर्शन। तो पहले कर लेते हैं पेट पूजा, फिर थोड़ा एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे, और स्वामी जी भी थोड़ा थक गए हैं, तो चलिए अब पहले खा लेते हैं फिर चलते हैं।
तो ये मैगी हमारी आ गई है। सो दोस्तों, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं मंदिर में, और ये है जो ये थोड़ा एक दो मकान है इधर पे, मंदिर थोड़ा सा और हमें चलना पड़ेगा। नज़ारा देखिए आप, तो देखिए दोस्तों, हमें मंदिर के पहले दर्शन हो गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कर लिया है अपने लिए रूम, और यह है अन्नपूर्णा होटल। तो देखिए कुछ इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पर, और सेपरेट बाथरूम वगैरह सब कुछ है। तो चलिए मैं आप लोगों को रूम दिखाती हूँ। तो ये है रूम कुछ इस तरीके से, और ये बेड लगा हुआ है, और अंदर ही उधर की तरफ बाथरूम है सेपरेट। और अब हम कर रहे हैं तैयारी थोड़ा ऊपर जाने की, और